एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और सुबह का समय है तो सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और धूप आप लोग देख रहे हैं कितनी तेज़ है, तो सोच रही हूँ ये काम जो है ना सुबह सुबह ही कर लूँ। वैसे तो धूप निकल गई है लेकिन है ना ये काम भी ज़रूरी था, तो अभी मैं निकल गई हूँ बगीचे में। बगीचे मतलब हमारा गार्डन, ये देख रहे हैं हमारे जो घर से सटा हुआ है ये गार्डन। और अमरूद के पेड़ के नीचे तो जब भी जाओ तो वहाँ पर आपको अमरूद गिरा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं यहाँ निकली हूँ आम तोड़ने के लिए, क्योंकि ये जो इस सीज़न का ये आखिरी आम जो है हमारे पेड़ का टूटेगा। आज एक पेड़ में ना कुछ आम बचे हुए हैं जो है ना बर्बाद हो रहे हैं। बर्बाद यानी कि है ना वो कोई खा ही नहीं रहा, चिड़िया लोग ना मतलब मुँह डालती है और छोड़ देती है। तो इसलिए ना सोच रही हूँ कि इसको तोड़ ही लें, क्योंकि फिर ये ना अब जो है ये आम साल भर बाद ही खाने मिलेगा। तो ये सीज़न का जो आखिरी आम है, वैसे तो अब सभी जगह आम मतलब मिलना बंद हो गया है, कहीं कहीं है ना पके हुए आम मिल रहे हैं, बाकी कच्चा तो खैर कब का बंद हो गया। लेकिन है ना हमारे पेड़ में जो है अभी भी कुछ आम बचे हुए, तो वही मैं तोड़ रही हूँ। और यहाँ मैं दिखा रही थी आप लोगों को कितना आम है, और है ना बहुत आम यहाँ पर टूट चुका है, तो उसको मैं चुन चुन कर इकट्ठा करूँगी और बोरी में डालूँगी, तो कुछ खाऊँगी और कुछ जो है किसी को बाँट दूँगी। और यहाँ से देख पा रहे होंगे पीछे हमारा ये मकान दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको पिंक कलर का, तो यही हमारा मकान है। तो ये कितना सटा हुआ, अभी ये जो प्लॉट है बचा हुआ है इसी में हमारा जो भी है आम और अमरूद का पौधा है और फूल वगैरह सब कुछ है। तो ज़्यादा दूर नहीं है आप लोग, क्योंकि अक्सर मुझे देखते होंगे कि मैं नाइटी में ही है ना अपने गार्डन में या बगीचे में रहती हूँ, तो आपको ना ऐसा नहीं लगे कि बहुत दूर है, हमारे घर से सटा हुआ ही है। तो इसलिए, और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ये काम बहुत मुश्किल है। नहाने के बाद फिर मैं पसीने पसीने हो जाऊँगी, क्योंकि आम चुनना भी है ना एक बहुत बड़ा टास्क है इतनी गर्मी में। तो यहाँ जो है आम सारा मैं चुनते हुए बोरी में डालूँगी। इस समय मॉर्निंग के 8:30 या 9 बज रहे हैं लगभग, और काकी अंदर काम कर रही हैं, तो मैं भी है ना अंदर चाय वगैरह बना के है ना हम लोग पी चुके थे, और काकी को भी मैंने दे दिया था। तो काकी जो है झाड़ू पोछा कर रही हैं अंदर, और मैं बाहर ये काम कर रही हूँ। तो ये काम जो होता है ना कई दिन से सोच रही थी कि करके ख़त्म करूँ, क्योंकि जब है ना आम मतलब लास्ट हो जाता है ना, तो फिर चिड़िया लोग जो है ना मुँह डाल देती है आम में, पूरा तो वो खाती नहीं है, बस वो मुँह डाल के छोड़ देती है फिर जूठा करके, तो फिर वो फेंकना ही पड़ता है। तो इसलिए है ना जितना हो सकता है तोड़ूंगी, और बहुत सारा हम लोग पेड़ में ही छोड़ देंगे कौवा और मैना यानी चिड़िया के लिए, क्योंकि उन लोगों का भी पेट तो हम लोग द्वारा ही भर सकता है, क्योंकि वो लोग खुद से तो कमा नहीं सकते, खाना बना नहीं सकते, तो हम लोग के भरोसे ही है ना चिड़िया और जो भी जानवर है पक्षी वो इंसान के भरोसे ही रहते हैं। तो उन लोग के लिए भी मैं पेड़ में छोड़ दूंगी, सारा नहीं तोड़ूंगी। यहाँ से साफ दिख रहा होगा, देखिए ये एक बिल्डिंग जो है ना बीच वाला जो पिंक वाला दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा है। और जो जस्ट है ना उसके बाद एक प्लॉट छोड़ के देख रहे हैं, तो वो है ना किसी और का है, वो भी हमारे गांव के रिलेशन में ननद लगती है मुझे को, तो वो उनका है। और मेरे इधर ये जस्ट है ना इधर लेफ्ट साइड में एक और बिल्डिंग बना है, लेकिन उसमें अभी कोई रह नहीं रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर जहाँ पर मैं रह रही हूँ ना, तो अभी बहुत ज़्यादा बिल्डिंग नहीं बना है, तो खाली खाली है थोड़ा, तो अच्छा लगता है। यहाँ पर खुला वातावरण है और हरियाली है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। वैसे मेरी वीडियो देखकर बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स बोलती हैं कि आपके घर का लोकेशन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा हरियाली है और खुला खुला है। तो हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है खुला खुला है, क्योंकि आजकल जो है शहरों में इतना खुला नहीं देखने को मिलता है, और हम लोग शहर में रहते हुए भी इतना ज़्यादा खुला है, तो ये समझिए कि किस्मत वाली बात है। और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है जिसके कारण है ना आम और अमरूद जो है बहुत तेज़ी से पकना शुरू हो गया है। वैसे आम का तो समझिए अब लास्ट हो गया सीजन, तो इसका तो पकना समझ सकते हैं, लेकिन अमरूद भी ना इतनी तेज़ी से पक रहा है, मतलब हम लोग सुबह जो है ना सारा नीचे का अमरूद जो भी होता है चुन के फेंकते हैं जो पका हुआ ज़्यादा होता है, और उसके बाद दूसरे दिन मतलब उतना ही अमरूद गिर जाता है। जबकि है ना अभी हम लोगों ने अमरूद तोड़ने के लिए जो है लोग को रखा है, जो ले जाते हैं अपना वो बिजनेस करते हैं, तो उनको ही हम लोग दे देते हैं कुछ कम दामों पर, फिर वो अपना सेल करते हैं। लेकिन फिर भी है ना एक दिन का गैप में ही इतना अमरूद वेस्ट होता है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब देख के है ना वो भी लगता है किसी को अमरूद खाने नहीं मिलता और यहाँ इतना वेस्ट होता है। वैसे है ना मैं तो कोई भी अंदर आता है, कोई भी हमारे घर में आता है, तो मैं आम और अमरूद उनको है ना भर के दे देती हूँ पॉलिथीन में, क्योंकि कोई है ना क्या होता है ना कि कोई खाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बर्बाद होने से अच्छा है कि कोई खाए।
बातों बातों में ही देखिए लगभग ना आधा बोरी मैंने आम चुन लिया और टोकरी में भी भरा हुआ है। तो अब मैं अंदर भी जाऊंगी क्योंकि काकी का शायद झाड़ू पोछा हो चुका है, तो उसके बाद वो बैठी होंगी। बर्तन वगैरह भी वो धो चुकी थी क्योंकि आज ना काकी भी बहुत जल्दी आ गई थी, तो हम लोग जल्दी ही सुबह उठ गए थे। वह ऐसे काकी 7-8 बजे के बीच में आती है, लेकिन आज वो 6:30 बजे ही आ गई थी, तो हम लोग का भी काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। काकी आती है मतलब काकी आने के बाद ही काम शुरू होता है। ये देख रहे होंगे आप लेफ्ट साइड एक बिल्डिंग और बना है, तो यहाँ पर है ना बस 3 बिल्डिंग आपको नज़र आएगा मेरे घर के पास, तो इसलिए यहाँ पूरा आपको खाली खाली नज़र आता है। और ये देखिए कुछ है ना आम हम लोगों ने छोड़ दिया है चिड़ियों के लिए, इसके है ना बहुत अभी भी इसमें बहुत सारे आम बचे हुए हैं, तो इसको है ना चिड़ियों के लिए छोड़ देते हैं हम लोग और अब चलते हैं घर। तो मैं ये टोकरी उठा के ले चलती हूँ क्योंकि बोरी तो भारी हो गया, मैं नहीं उठा के ले जाऊँगी। तो चलते हैं बंदर। अब हमारी वीडियो में जो है आप लोगों को आम नहीं देखने मिलेगा क्योंकि आप लोग भी पक गए होंगे। मैं है ना आपको पूरी है ना समय है ना मतलब पूरी जो आम का सीजन में आम और अमरूद ही मैं दिखाती रही वीडियो में, तो क्या करूँ फ्रेंड मेरे बगीचे में है तो मैं दिखा देती हूँ। और हाँ आम अमरूद तो अभी भी देखने को मिलेगा। यहाँ किस हो गए हो ठगे, आम तोड़ते तोड़ते बच्चे मेरा इतनी गर्मी लगी तुम आके सो गए। हाँ हाँ ठीक है सो जाओ, आम तोड़ते तोड़ते थक गया है ना गोला, ठीक है बहुत काम करते हो तुम सो जाओ।